झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमें सच जानना है। शांत हो जाइए आप, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। मैंने खुद इस लड़की को ड्राइविंग करते हुए देखा, मैंने देखा ये अचानक नीचे झुकी और इससे एक्सीडेंट हो गया। मैंने देखा। नहीं देखा आपने? अगर देखते तो आप देखते गाड़ी मैं चला रहा। ये कैसे हो सकता है? अरे कैसे, आपकी आंखें खराब होंगी, आंखें कभी खराब हो सकती है। देखिए अगर आप अज्यूम करें कि गाड़ी चला रही थी राइट, तो आपने रोड से मतलब आप रोड पे थे। हाँ। तो आप लेफ्ट में थे या राइट में थे? नहीं मतलब गाड़ी में ये बैठी थी लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट लेफ्ट राइट 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 में बैठी थी। राइट? जी हाँ, ये इंडिया है, अमेरिका नहीं। यहाँ गाड़ी हम जो है ड्राइव करते हैं राइट से करते हैं। शायद राइट साइड, शायद वो बोलते कोई कोई चीज ही नहीं होती। मतलब आप रोड के लेफ्ट में थे या राइट में? मतलब ये गाड़ी में राइट में थी या लेफ्ट में? लेफ्ट या राइट, राइट या लेफ्ट? देखिए मैं बहुत सिंपल है, मैं आप चुप रहिए, मैं बताता हूँ। ये लेफ्ट में बैठी हुई थी, मैं राइट में था, चूंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, एक्सीडेंट मुझसे हुआ। देखिए ये राइट लेफ्ट बोल के आप हमें कंफ्यूज मत कीजिए। मैंने खुद देखा था कि मलाइका ही थी गाड़ी में, आप नहीं थे वहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैं गाड़ी में नहीं था, चूंकि मैं भाग चुका, एक्सीडेंट हुआ, मैं डर गया, मैं भाग गया। इन्होंने मुझे बचाया, इन्होंने लड़की को बचाया, वो लड़की को घर लेके आ गई, सिंपल एज दैट। इंस्पेक्टर प्लीज मुझे आप अरेस्ट कीजिए, गलती मेरी, आई एम रियली सॉरी। आइए चलिए। देखिए बिना सबूत के हम आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ करने के लिए। चलिए चलिए इंस्पेक्टर, कार मैं चला रहा था, आप मुझे लेके चलिए। जैसे तैसे करके ऋषि ने बात संभाल ली थी, तो पक्का पुलिस को यकीन हो जाएगा कि ऋषि भी झूठ बोल रहा है। ये मनप्रीत भी ना पागल है। ये क्या मजाक बना रखा आप लोगों ने? अरे ये कोई नोटंकी हो रही है क्या? देखिए फिलहाल मैं आप दोनों को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ पूछताछ करने के लिए। इनसे पूछताछ करने के बाद सच्चाई का पता चल जाएगा, एक्सीडेंट किसने किया और किसने नहीं। चलिए आप दोनों। कांस्टेबल? यस सर। मैंने आपसे कहा कि मैंने एक्सीडेंट किया था, तो मैं आपसे। चलिए आप दोनों। एक मिनट एक मिनट इंस्पेक्टर साहब रुके। देखिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि ये जो एनजीओ की महिलाएं हैं ना, ये अपनी भड़ास निकालने के लिए आपको लेकर के आई हैं, और जो इनकी दूसरी साथी है वो ये मीडिया और प्रेस, इनको लेकर के आई हैं। प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाएगा, सब साफ हो जाएगा। क्या साफ हो जाएगा? क्या पूछताछ करेंगे आप? हाँ जब एक्सीडेंट हुआ ही नहीं तो आप पूछताछ क्या करेंगे? क्या एक्सीडेंट नहीं हुआ? जी हाँ, जिस लड़की को लेकर के आपने इतना हंगामा मचाया हुआ है, जिसके एक्सीडेंट को लेकर के, वो एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं। क्या?
आपका मतलब अब वो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं? जी नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं हुआ। देखिए, जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं ना, पहली बात तो ये कि वो लड़की हमारे लिए अजनबी नहीं है, वो लड़की मलाइका की सेक्रेटरी है। हाँ, और वो लड़की कार में पीछे बैठी हुई थी और उसे किसी काम के लिए कार से नीचे उतरना पड़ा और मलाइका ऋषि के ऑफिस जा रही थी, उसको वहीं पर काम था। वो कार में एसी था, बाहर गर्मी थी, वो उतरी, उसको गर्मी लगी, चक्कर आ गए, डिहाइड्रेशन हो गया, हो जाता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरी बात सुनिए, आप इनकी बातों में मत आइएगा, ये मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। ठीक है, इन लोगों ने मलाइका की हेल्प की, उस लड़की को इस घर में लेकर आए, तो उसके लिए हम आपको थैंक्स बोल चुके हैं ना, अब और क्या करें बताइए, क्या करें अब? जी, मेरी मॉम जो कह रही है वो बिल्कुल सच है कि मॉम हमेशा सच कहती है। हाँ, और ऋषि ने बोला कि वो कार चला रहा था और मलाइका इसके बाजू में बैठी थी, और जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ वो पिछली सीट पर बैठी थी, और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, वो लड़की कार से उतरी, कार में एसी था, बाहर गर्मी थी, उसको गर्मी लग गई, उसको चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। हाँ, और ये लोग देखो, उसको एक्सीडेंट पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। बिल्कुल, इन शॉर्ट हम दोनों सच कह रहे हैं। आप सरासर झूठ बोल रही हैं इंस्पेक्टर साहब, भूल जाइए एक्सीडेंट, भूल जाइए किसने क्या कहा, अब बात हमारे एनजीओ की इमेज पर आ गई है। पुलिस और मीडिया को हमने यहाँ बुलाया, इसलिए हम जो कह रहे हैं वही सच है, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं जी, हम झूठ बोल रहे हैं जी, आप झूठ बोल रही हैं, समझी? इंस्पेक्टर साहब, ये पैसे ऐंठने के लिए आई, पैसे नहीं मिले ना तो ये आपको लेकर के आ गई, ये मीडिया को लेकर के आ गई, आप झूठे, आप सब लोग झूठे हैं। क्या अब आप हम पे उंगली उठा रही हैं? हम तो सिर्फ उंगली उठा रहे हैं, आपने पूरा घर सर पे उठा लिया है। प्लीज चुप हो जाइए सब लोग। देखिए, आप लोगों का कहना है कि उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ, और आपका कहना है कि उस लड़की का एक्सीडेंट नहीं हुआ, और वो लड़की जिसे मलाइका जी घर लेकर आई थी वो इनकी सेक्रेटरी है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? लेकिन इन दोनों में एक बात तो कॉमन है, लड़की। और आपका भी कहना है कि आपने उस लड़की का इलाज भी करवाया था जी। तो कहाँ है वो लड़की, मुझे उस लड़की से मिलना है। देखिए, अगर उस लड़की का बयान आपके बयान से मैच खाता होगा तो मैं आपके बेटे ऋषि और मलाइका को अरेस्ट नहीं करूंगा, और अगर बयान मैच नहीं खाते हैं तो इन दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मलाइका जी, आपने कहा कि वो लड़की आपकी सेक्रेटरी है, बुलाइए उस सेक्रेटरी को, हम भी मिल लें उससे, प्लीज गो। राणो ने तो बहुत रायता फैला दिया, क्या जरूरत थी बोलने की कि वो लड़की मलाइका की सेक्रेटरी है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, मोहन का कुर्सी दो, एक मिनट आप जरा आएंगे, जरा कुछ बात करनी थी। आओ। पता नहीं अभी होश आया भी होगा कि नहीं। अरे, ये कहां चली गई? इसका मतलब होश आ चुका होगा, वॉशरूम में होगी। बताइए मिस्टर वेदी, क्या बात करनी है आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बार यहाँ इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको समझा सकूं। अरे आपको क्या समझाऊंगा, आप तो खुद ही इतने समझदार हैं। नहीं, मानते हैं हम कि हमसे गलती हुई है। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ उस लड़की से बात करनी है। इंस्पेक्टर साहब, आप समझने की कोशिश करो, मैं मान तो रहा हूँ कि हमसे गलती हुई। एक मिनट पापा जी, कौन सी गलती? हमने कोई गलती नहीं की है पापा जी। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, ये थोड़ी स्ट्रेस में इसलिए ऐसी बातें करें, तो प्लीज आप इनकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। और हम क्यों डरें? हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे आपकी कोई बकवास नहीं सुननी है, सच तो सबके सामने आ ही जाएगा जब वो लड़की बयान देगी। एक मिनट, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और ये अपने डिपार्टमेंट और ये एनजीओ के सामने अपनी इमेज बनाने के लिए आप हमारी इमेज मत खराब कीजिए प्लीज। देखिए, हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी जानता हूँ, और जानता हूँ कैसी ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी के नाम पे क्या करते हैं वो भी जानता हूँ। किसी को भी पकड़ के अंदर कर देते हैं और बाद में अपना पल्ला झाड़ देते हैं ये बोल के कि हमारा काम हो गया। ये लोग जो अंदर हैं सबके सब बकवास कर रहे हैं, और आप चुपचाप खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं।
और कौन सी सच की बात कर रहे हैं आप? जो सच आपके सामने खड़ा है उसको नहीं देख रहे हैं आप, और ये लोग जो बकवास कर जा रहे हैं इस पे आप विश्वास कर रहे हैं? और वैसे भी आपको ऋषि ने एक्सप्लेन किया था ना सर कि हिट एंड रन का केस नहीं है ये, और अगर हिट एंड रन होता तो इंसान भाग जाता वहां से एक्सीडेंट करके। ये लड़की भागी नहीं, मलाइका भागी नहीं, उल्टा लड़की को लेकर आई और कायदा उसका इलाज करा रही है यहाँ पे। और अब ये अगर आगे एक शब्द भी बोला तो पुलिस और कानून का अपमान करने और गुनाह पर पर्दा डालने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। अरे रुको, ये तो बाहर जाने का रास्ता है। तो तुम, आई एम सॉरी, मेरा नाम मलाइका है और मैं इस घर में एक गेस्ट हूँ, लेकिन इस घर के लोग मेरी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। देखो, आई थिंक तुम समझी नहीं, जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था। आई एम रियली सॉरी। लेकिन पता क्या हुआ, तुम वहां से जा रही थी और मैं गाड़ी चला रही थी और अचानक से तुम मेरी गाड़ी के सामने आई और फिर वो एक्सीडेंट। लिसन, आई एम रियली रियली सॉरी। इट्स ओके, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम मुझे इस घर में लाई इसलिए प्रॉब्लम हुई, तो तुम मुझे घर पे लाई क्यों? हॉस्पिटल ले जाती। अब हाँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा सकती थी, लेकिन नहीं लेके गई, यहाँ गेस्ट रूम में ले आई। लेकिन जब मैं तुम्हें लाई तब कोई भी नहीं था यहाँ पे, तो इससे पहले कि मैं किसी को कुछ बताती यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और तुम्हें आइडिया तक नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या हो गया। इसका मतलब मुझे अभी तक किसी ने यहाँ देखा नहीं है, और इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देखे मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अच्छा, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं अब जाती हूँ। कोई जा नहीं सकती अभी। आई मीन, प्लीज मत जाओ, प्लीज यहाँ पे रुक जाओ। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना ही। नहीं, अब सुनो, तुम्हें पता भी नहीं है कि यहाँ पर मेरी वजह से एक बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट हो गया और सब लोग बहुत प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और ये हेल्प सिर्फ तुम कर सकती हो। आई नो कि मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए तुम्हें बहुत अजीब लग रहा है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी। देखो, मैं बताती हूँ क्या हुआ। वहाँ पर एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ था वहाँ पर मैं कुछ एनजीओ के लोगों की हेल्प से तुम्हें यहाँ पर घर पे लेके आई। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे जाने दो प्लीज। नहीं, अब तुमने अभी पूरी बात नहीं सुनी। उसके बाद क्या हुआ ना, जब पुलिस मुझे ले जाने वाली थी तो सारा के सारा ब्लेम ऋषि ने अपने सर पे ले लिया। अब ऋषि सारी प्रॉब्लम में फंस गया। पापा जी, ये चुप, युवराज चुप। मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे बात कर। आप क्या बात कर रहे हैं पापा जी? आप तो खुद इनके सामने झुक रहे हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया पापा जी, प्लीज। इतना बड़ा हो गया तू, मेरे बीच में बोलेगा? चुप रहे, मैं बात कर रहा हूँ ना। इंस्पेक्टर साहब, नहीं देखिए, मैं मानता हूं कि आप पे बहुत प्रेशर है। नहीं, ये एनजीओ वाले लोग हैं, बहुत हल्ला कर रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपका कोई ऊपर वाला अफसर, आपका ऊंचा अफसर आपसे कुछ कहे तो आप सुनेंगे? नहीं, मतलब एसीपी वगैरह? एक एसीपी हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप कहें तो मैं उनसे फोन करवाता हूं। प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे फैमिली के किसी मेंबर को अरेस्ट मत कीजिएगा। नहीं, कुछ गलत फहमी हुई राणा से, कुछ गलत फहमी हुई है, वरना वो इस तरह का बर्ताव कभी नहीं करती। हो सकता है वो थोड़ा झूठ भी बोले, 1%। पर इंस्पेक्टर साहब, माँ तो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। नहीं, पर ऐसा नहीं है कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए हमें अफसोस नहीं है। बहुत अफसोस है, उसका इलाज चल रहा है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन आप ना केस को यहीं रफा दफा करो, आगे बढ़ाने से क्या फायदा? देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बात बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप तो देख ही रहे हैं। अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो जितनी बात बढ़ी है उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और मुझे लगता है ऐसे में एसीपी साहब भी आपकी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने ये केस फाइल किया है ना, वो एनजीओ वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से उनके कनेक्शन हैं, ऊपर से ये मीडिया वाले। अगर हम, आई मीन पुलिस वाले, आउट ऑफ वे जाकर आपकी मदद करते हैं, आई मीन पैसे वालों की मदद करते हैं, तो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। सॉरी मिस्टर वेदी, ऐसे में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर कोई मदद कर सकता है ऐसे में आपकी, तो वो सिर्फ एक इंसान है, वो है वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ है। अगर वो लड़की आपके पक्ष में बयान दे देती है तो नो प्रॉब्लम, और अगर वो बयान नहीं देती है फिर तो
मिस मलाइका को हमें अरेस्ट करना होगा और झूठ बोलकर उसको बचाने के जुर्म में मिस्टर ऋषि को और कानून को गुमराह करने के जुर्म में आपकी पत्नी मिसेज रानो बेदी को भी गिरफ्तार करना होगा। देखो प्लीज प्लीज मेरे लिए ना सही, ऋषि के लिए मत जाओ प्लीज। अब देखो ऋषि एक ना बहुत अच्छा लड़का है, अब मुझे प्रॉब्लम में देख के वो खुद प्रॉब्लम में फंस गया, उसने सारे इल्जाम अपने सर पे ले लिया। मेरे लिए ऐसा कभी किसी ने नहीं किया लेकिन उसने किया, तो अब मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं उसके लिए कुछ करूं और मैं उसकी हेल्प करूं और उसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालूं, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो इसलिए मेरे लिए नहीं तो ऋषि के लिए मेरी हेल्प कर दो प्लीज। देखो देखो मना मत करना, तुम मेरी हेल्प करोगी ना, आई बेग ऑफ यू, ऋषि के लिए हेल्प कर दो, बस एक ही झूठ बोलना है, सिर्फ एक झूठ बोल दो। झूठ? कैसा झूठ? कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। I know तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है लेकिन तुम्हें ये झूठ बोलना है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या बोलना है। तुम्हें बोलना है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और मेरे साथ गाड़ी में जा रही थी और अचानक से तुम्हें कोई काम याद आया तो तुम गाड़ी से बाहर निकली और इतनी ज्यादा धूप थी कि तुम चक्कर खा के बेहोश हो गई। अब दैट्स इट। देखिए हमें अपनी ट्रेनिंग पे सिर्फ फिजिकल ही नहीं साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, इसलिए कौन सा इंसान झूठ कह रहा है और कौन सच ये हम देखते ही समझ जाते हैं, क्योंकि हम पुलिस वाले हैं। जो लोग गुनाह करते हैं वो अपना गुनाह छुपाने के लिए हमेशा डरे हुए रहते हैं और अपना डर छुपाने के लिए वो सही इंसान को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, उससे ऊंची आवाज में बात करते हैं, उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। पर हम पुलिस वाले हैं इसलिए हम पुलिस वालों से कुछ भी नहीं छुपा सकते। इसलिए जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है अगर वो लड़की जरा भी तकलीफ में है तो वो बात हमें समझ में आ जाएगी, और किसी के दबाव में आकर अगर उसने हमें झूठ भी बोला तो भी हमें पता चल जाएगा, और फिर उसके बाद आप लोगों की कोई भी सफाई कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि उस वक्त हम लड़की को देखते ही समझ जाएंगे कि वो लड़की सच कह रही है या झूठ। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हैं और सच्चाई को बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। अब ऋषि तुम्हारा मतलब कि तेरे फोन क्या रोक खड़े हुए? ओके ओके, तुम्हारा मतलब कि मैंने ये बताकर गलती की कि वो लड़की मलाइका की सेक्रेटरी है? गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की आपने। मॉम कुछ भी कहीं भी बोल देती हो, सोच समझ के बोला करो मॉम। अगर उस लड़की को होश आ गया जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो सोचो क्या बोलेगी वो। हो सकता है कि वो आपके इस झूठ में आपका साथ ना दे, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप चले जा रहे हो मॉम। मेरी वो लड़का है, वो ब्लूइश ग्रीन कलर की स्वेटशर्ट में, ऋषि। तुम्हें उसी की हेल्प करनी है, प्लीज जैसा मैंने बोला वैसा ही करना। देखो मैं तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, प्लीज प्लीज तुम मेरी हेल्प करोगी ना? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.